अब देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसके लिए जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से करनाल फरीदाबाद में काउंटिंग सेंटर तैयार किए गए हैं। मतगणना को लेकर प्रशासन तैयार है। 4 जून को मतगणना होनी है, उससे पहले काउंटिंग ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जा रही है। काउंटिंग ऑफिसर को पोस्टल बैलेट को लेकर जानकारी दी गई है। बता दें, फरीदाबाद और करनाल में अलग अलग काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन तैनात है। काउंटिंग होनी है लोकसभा चुनावों को लेकर, किस तरह की तैयारी की गई है? तैयारियां हमारी तरफ से पूरी कर ली गई हैं, और इस काउंटिंग हॉल के अंदर ही जहां खड़े हुए यहीं पे ही इसके काउंटिंग होनी है, और हमारे यहां पे 14 टेबल होंगे, 17 राउंड होंगे। इसके अलावा हमने मीडिया के लिए अलग सेंटर बनाया हुआ है, और कोई भी एजेंट कोई अपना कम्युनिकेशन कर सके, क्योंकि अंदर तो फोन अलाउड नहीं होगा, तो उसके लिए हमने एक अलग कम्युनिकेशन रूम भी बनाया। आपने देखा, आपने खुद ने बताया है कि जो हमारा पोल डे है बिल्कुल ही पीसफुल गया है। इनफैक्ट कहीं भी रीपोल की नौबत नहीं आई है। इसके लिए तो सबसे पहले मैं हमारे जो यहाँ के जो वोटर्स हैं उनका धन्यवाद करूँगा, पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कंटेस्ट किया उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सारा पोल प्रोसेस बिल्कुल पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा है। काउंटिंग को लेके 2-3 पहलू हैं इसके। एक तो हमारा ये होता है कि काउंटिंग प्रक्रिया हो बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे में हो, तो उसके लिए हम ट्रेन कर रहे हैं हमारे स्टाफ को, जो वेल ट्रेंड स्टाफ, कोई मिस्टेक नहीं रहेगी बिल्कुल। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, फरीदाबाद और करनाल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर काउंटिंग सेंटर जो है वहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं। और देखिए, अब इंतजार का समय जो है वो बेहद नजदीक, जो समय है काउंटिंग का वो बेहद नजदीक आ चुका है, और इसी के लिए तमाम तैयारियां जो है वो की गई हैं।